और मुझे अपने दासों के सर पर ये मुकुट अच्छे नहीं लग रहे। अपने अपने ये मुकुट उतार कर मेरे चरणों में रख दो, रख दो। उतारो ये मुकुट और रख दो मेरे चरणों में। ये पांच तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए आकर मेरे मित्र दुर्योधन की गोद में बैठ जाओ। पांच पतियों वाली तो तुम पहले ही से हो, तो छठे का हाथ पकड़ लेने में हानि क्या है? एक दिन मैं तुम्हें इस अपमान का दंड अवश्य दूंगा, कारण अवश्य दूंगा। हे चुप! मेरे मित्र से बात करने का साहस करता है, मैं तेरी जीभ काट लूंगा। इसे बोलने दो मित्र, नया नया दास हुआ है, धीरे धीरे सीख जाएगा। जो स्त्री पांच पांच पुरुषों के साथ रहती हो वो पत्नी नहीं, वेश्या होती है। और वेश्या का मान क्या और अपमान क्या? ये यहां नग्न भी लाई जाती तब भी अनुचित ना होता। पार्थ, आइए केशव। किन विचारों में खोए हुए थे? अपने क्रोध की अग्नि में यादों की लकड़ियां डाल रहा था केशव, यादों की लकड़ियां डाल रहा था। युद्ध की प्रतीक्षा युद्ध से कहीं अधिक दुविधापूर्ण होती है। अब रणभूमि सामने है, इसलिए मैं अपने क्रोध की अग्नि को भड़का रहा था केशव, अपने क्रोध की अग्नि को भड़का रहा था। मैं अपने क्रोध की अग्नि में केवल यादों की लकड़ियां न डालो पार्थ। तो इस अग्नि में और क्या डालूं केशव? बोलिए, इस अपमान की अग्नि में और क्या डालूं? इस अपमान की अग्नि में दुर्गा मां के आशीर्वाद का घी डालकर इस अग्नि को हवन कुंड की अग्नि बना लो पार्थ। हां पुरुश्रेष्ठ। हे परम तप अर्जुन, दुर्गा का आशीर्वाद भी एक दिव्यास्त्र है, और इस दिव्यास्त्र के बिना तुम रणभूमि में निहत्थे लगोगे। इसलिए आकाश की कृपा छाया में खड़े होकर दुर्गा मां को सहायता के लिए पुकारो पार्थ। क्या वे आएंगी केशव? यदि केवल जिह्वा पुकारेगी तो वे नहीं आएंगी, यदि आत्मा पुकारेगी तो वे अवश्य आएंगी। और तुम्हारे साथ मुझे देखकर तो उनके ना आने का प्रश्न ही नहीं उठता। पर मैं ये चाहता हूं पार्थ कि वे तुम्हारी पुकार सुनकर आएं, केवल तुम्हारी पुकार पार्थ। ओम दुर्गाय नमः, ओम अंबाय नमः, 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 ओम दुर्गाय नमः, ओम अंबाय नमः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम मुझे क्यों पुकार रहे थे? माता, हे माता, मेरे सामने धर्म भूमि कुरुक्षेत्र है। यदि हम धर्म युद्ध कर रहे हैं तो हमें विजयश्री का वरदान दीजिए। माता, हमें विजयश्री का वरदान दीजिए। हे अर्जुन, तुम्हें इस वर की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जहां धर्म होगा वहीं वासुदेव कृष्ण होंगे, और जहां वे होंगे वहीं विजयश्री होगी।
इस वरदान का तात्पर्य यह है पार्थ, कि यदि तुम्हारा मन भटकना भी चाहे तो तुम उसे भटकने की आज्ञा न दो, उसके भटकाव का मार्ग रोक कर खड़े हो जाओ। यह परीक्षा की घड़ी है पार्थ, परीक्षा की घड़ी है।